सारे ही स्वर्ग में जा रहे हैं तो नर्क देवताओं के लिए रखी थी, देवी देवताओं के लिए नर्क किसके लिए रखी है? झूठ पॉइंट है भाई, ना आज सब सारे एक ही हैं और सबने स्वर्ग में जाना है तो नर्क में किसने जाना है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बहुत बड़े एथिस्ट रहे हैं, अगर आप डेफिनेटली इंडिया की हिस्ट्री जानते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री जानते हैं आप, ठीक है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आप इनके बारे में नहीं जानते। भगत सिंह जी इन द एंड ऑफ द डे वो एथिस्ट हो गए थे, बट उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की है, भारत के लिए, ठीक है। तो मैं आपके उससे जानना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें कि क्या उनको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, या वो भी उसी में नर्क में जाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी अल्लाह को माना नहीं? सब इनसे ना एक चीज पूछना चाहता हूँ सूर्या भाई, एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छा इंसान है, सोसाइटी के अंदर उसके बेशुमार कारनामे हैं और वो मुसलमान है, लेकिन ना किसी वजह से, किसी कारण से उसकी टांग के ऊपर जख्म आ गया, या एक हिंदू है उसकी टांग के ऊपर जख्म आ गया, तो अब अगर वो आर्मी में जाना चाहता है, क्योंकि सोसाइटी में बड़े अच्छे उसके काम, बहुत कमाल का उसने काम किया, लोगों की हेल्प करता है, उनकी पीड़ाओं का ख्याल रखा है, तो अब वो आर्मी के अंदर अगर जाएगा भर्ती होने के लिए कि मुझे एज अ सोल्जर भर्ती कर लें, तो आर्मी वाले, इंडियन आर्मी जो आपका इदारा है, वो उसको भर्ती कर लेंगे? टांग टूटी हुई उसकी ना एक। सर एक्चुअली आर्मी में भर्ती और ईश्वर के पास जाना, ये दोनों अलग कंपैरिजन है, तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एप्पल और मैंगो को कंपेयर नहीं कर सकते ना सर, आप सर यहाँ पे नहीं जाएगा। आपसे ये पूछा है कि आर्मी उसको भर्ती कर लेगी या नहीं, इसका जवाब हाँ है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो ये, अच्छा मुझे ये बताएं कि एक चीज के अच्छे होने से, भाई देखिए हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं उनके अंदर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब एक चीज की बुनियाद के ऊपर दूसरी चीज का फैसला नहीं किया जाएगा, और लाजमी नहीं है कि उस चीज की वजह से उसकी दूसरी सारी बातों को इग्नोर कर दिया जाए, जहां पर जिस फील्ड में जाने के लिए, जिस जगह पर जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आर्मी की मिसाल दी, इसी तरह आप जन्नत की बात कर रहे हैं, तो जन्नत भी एक एरिया है, वहां पर जाने की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो भाई वहां पर आपकी आर्मी में जाने के लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जितना मर्जी अच्छा आदमी हो, बस जी उसकी इसका एक पांव कट गया या अंगूठा कट गया तो वो उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है जितना मर्जी अच्छा था। तो भाई जन्नत भी एक जगह है, वो मजाक नहीं है, तो वहां पर जाने की भी रिक्वायरमेंट है। हाँ इसी तरह जहन्नम में जाने की भी रिक्वायरमेंट है, आप जो जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा वो वहां पर जाएगा। अच्छा उनके वजह से देश में बहुत सारे मुस्लिम आज इजिली वर्क कर सकते हैं अपने, इजिली इबादत वगैरह सब कर सकते हैं, कितने लोगों को मतलब चैन का, मतलब आजादी का वो मिला है, भले ही उन्होंने नहीं माना, मे बी अल्लाह या ईश्वर को नहीं माना, तो फिर भी नहीं जाएंगे, उनकी वजह से कितने लोगों को कितनी शांति में रहते हैं, सनातन के अकॉर्डिंग वो जाएगा। क्या मत कहा मेरे, हां बस सनातन के, एक मिनट सूर्या सूर्या सूर्या, क्या सनातन के अकॉर्डिंग कौन सा बंदा जन्नत में जाएगा स्वर्ग में? जो मान लो वो एथिस्ट भी है और फिर भी वो उसने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए उसने कार्य किया है, वो उसके लिए मतलब शहीद हुआ है, तो जाएगा। प्रभु श्री राम ने उसमें युद्ध भूमि में कहा था ये बात, सुनिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि, जब उन्होंने उनको बोला कि आप लंका में रहिए, आप यहाँ के राजा बनिए, आप अयोध्या मत जाइए, तो उन्होंने बोला था कि मेरी जो जन्मभूमि है उसी के उस मतलब वो वही उनको स्वर्ग में लेके जाएगा, और जो यहाँ पर इसके लिए जो मतलब अपना मृत्यु पाएंगे वो स्वर्ग में जाएगा। सेकंड महाभारत में कुरुक्षेत्र का है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ते हुए मेरे प्यारे हाँ जी रेफरेंस, रुक के चलते हैं, आपने रेफरेंस दिया और अधूरा रेफरेंस दिया, आपने जस्ट ये कहा कि युद्ध भूमि में राम जी ने ये फरमाया था, आप सनातन धर्म को नहीं जानते मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपको बताता हूं कि राम जी ने कहा क्या था और एग्जैक्ट रेफरेंस दूंगा, उसको आप निकाल के चेक करें, कोई निकाल के चेक करे, आपको वो बात मिल जाएगी, ठीक है। आपने बात की कि जो इस पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग सर, जी जी जो टॉपिक बोल रहे हैं उसके रिगार्डिंग,
जी जी टॉपिक नहीं, मैं कहता हूँ एथीस्ट के साथ करना क्या है। वाल्मीकि रामायण में से राम जी के वजीर मशीर और वो आपस में बैठ के बातें क्या करते थे, और जब राम जी अपना उसको सिखा के गया कि धर्म के अंदर एथीस्ट के साथ सलूक क्या करना है, वो आपने पढ़ा ही नहीं, आप तो किसी और चक्कर में पड़े हुए। अरे चले आप सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जन्मभूमि के लिए अपनी शहादत देगा उनके बारे में। जी अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कर ले वो भी देख ले। हाँ। पहले ओवरऑल तो देख लेना जी, वो जितना भी अच्छा हो या बुरा हो। सर वही देखिए ना सर, आप डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? सर मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा, आपने जो रेफरेंस किया वो एग्जैक्ट रेफरेंस ही नहीं, और मैं जो रेफरेंस देने लगा हूँ वो सुनिए। अयोध्या कांड है, ठीक है, वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 2, अयोध्या कांड सर्ग नंबर 109, श्लोक नंबर 33 और 34। अब सुनिए, राम जी से सेज कहता है कि मैं नीचे बयान की गई कार्रवाई की मजम्मत करता हूं, मेरे पिता का जिसने आपको अपना मशीर बनाया एक कट्टर काफर, जो रास्तबाजी के यानी कि अच्छे काम से, जो पुण्य के रास्ते से भटक चुका है, लेकिन उसका जो माइंड है गलत रास्ते पर लग चुका है, जो वेद के खिलाफ है, जो चार exactly पढ़ेंगे आप, उसका एक्सप्लेन मत करिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसमें होगा ही शब्द, अगर मैंने इनमें से कोई लफ्ज नहीं बोला, जस्ट ये कि उसको मैंने काफिर इसलिए कहा कि जो इनकार करता है, इस इन मानों में आप कह सकते हैं, अदरवाइज मैं एक वर्ड भी आप काफिर भी मैं साबित कर दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। आगे चलते हैं, जो चार वाका यानी मुलहिदाना आइडियोलॉजी के साथ इस दुनिया में घूम रहा है, जो सिर्फ हवास की दुनिया पर यकीन रखता है, जो वेद विरोधी हो, ये एक हकीकत है कि बुद्धा के फॉलोअर्स जो वेद की मजम्मत करते हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह सजा देनी चाहिए जैसे चोर को सजा दी जाती है। वो चोर है, उसको चोर वाली सजा देनी चाहिए जैसे डाकू लोगों को लूटता है। इन काफिरों को यानी कि इन एथीस्ट को, इन मुलहदों को डाकू और चोर समझना चाहिए। लिहाजा ऐसे काफिरों को यानी कि एथीस्ट को अवाम के मुफाद के लिए जरूर सजा देनी चाहिए। दूसरी सूरत में अकलमंद आदमी को, सुन ले अब पूरा सुन तो लेना मेरे प्यारे भाई जी, वाह 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 माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे साथ मोहतरम जनाब प्यारे भाई जनाब आमिर हक साहब जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात, तमाम अहबाब को उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी आवाज आ रही है प्यारे भाइयों? जी जी बिल्कुल, बहुत मधुर आ रही है माशाल्लाह जी, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगु चल रही है जी। अली भाई जी जी, मैं ना जरा संस्कृत ओपन करने लगा इनके लिए और इनको बताता हूँ वहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है और भगत सिंह कौन था जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अधार्मिक व्यक्ति के लिए तो ये है ही, इससे ज्यादा लिखा हुआ है। अधार्मिक की मुझे वो मत बताइए। अब धार्मिक के लिए संस्कृत में शब्द क्या लिखा हुआ है वो बोलेंगे, और आपने खुद बोला भगत सिंह को कि वो कौन था, ठीक है ना? हाँ, साथ रहना आपने। नहीं सर, कई सारी एट्रीब्यूट्स होती हैं व्यक्ति की, हमारे यहाँ तो चार वाक को भी मानते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं। जो मैंने चार वाक वालों को बताया कि राम जी क्या कह रहे हैं कि उनके साथ क्या करना है, वो डाकू है, उनको सजा मिलनी चाहिए, हर सूरत सजा दें। और अब मैं आपको बता दूं क्या, कौन सा पता नहीं आपने धर्म शास्त्र पढ़ाया, आपकी यही वाल्मीकि रामायण, क्योंकि आपने राम जी को कोट किया इसलिए मैं वाल्मीकि रामायण कोट करूंगा, और जो मैं रेफरेंसेस दे रहा हूं ये रेफरेंसेस गीता प्रेस गोरखपुर वालों की रामायण से दे रहा हूं। किसके अंदर कांड, देश के लिए जो शहीद होते हैं उनके लिए बताया। ओ मेरे भाई, मैं अब ओवरऑल आपको ओवरऑल सारी चीजें बता रहा हूँ जो शहीद होते हैं। वो भी वो, अली भाई आप दिखाएं जरा, आप दिखाएं, पढ़े पूरा, मैं वो वर्ड इनको दिखाता, रेफरेंस में 33। ये देखे जी क्या लिखा है, ये पढ़ो जरा मेरा भाई क्या लिखा है। सुनास्तिकम, हाँ क्या मतलब है इसका, नास्तिकम ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक, ठीक है ठीक है। भगत सिंह कौन था, नास्तिक था, आपने क्या बोला है? सर एक एट्रीब्यूट से नहीं आप पहचानेंगे, सेब खाली लाल नहीं होता, सेब के अंदर और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। भगत सिंह नास्तिक था या नहीं, भगत सिंह देश के लिए शहीद हुआ था या नहीं, भगत सिंह नास्तिक वो बताया उसका रेफरेंस क्या है, भगत अरे देश के लिए शहीद हुआ था या नहीं, बस अब यही करके आप स्ट्रीम खत्म कर देंगे या नहीं। स्ट्रीम नहीं खत्म करूंगा, ठुड्डा मार के बाहर फेंकूंगा क्योंकि जवाब ही नहीं दे रहा तू, क्या करूं। भगत सिंह सीकर था, सीकर का नास्तिक था या नहीं, बोल नहीं रहे
सूर्य यार बता दो यार, नास्तिक था या आस्तिक था? नास्तिक या इसमें कोई था या नहीं? उधर संस्कृत में लिखा हुआ है कि नास्तिक बंदे के बारे में बात, नास्तिक था, सीकर था हूं, नास्तिक नहीं था, सत्य की खोज कर रहा था। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, अदरकार भाई नास्तिक नहीं था? अशफाकुल्लाह ने उसके भरोसे अपना जान जा सकता है तू, पहले तू नास्तिक बोला था, और ये सुनता जा सुनता जा। भगत सिंह हो या कोई हो, भगत सिंह ने अपनी जान इसलिए दी थी कि जन्नत चाहिए। भगत सिंह ने बोला था कि ये जो मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं, मुझे जन्नत चाहिए। तो तू मामा लगा है भगत सिंह का कि तू उसको जन्नत में ठोंस के हमसे पूछवाएगा? ये जी मुसलमानों से सवाल पूछते हैं। भगत सिंह कहता था कि मैं जन्नत जाऊंगा तो काहे के लिए? तू कौन जी? मैं खाम खा भगत सिंह को जन्नत में डाल के आएंगे? क्यों भाई? उसने कहा था मैं जन्नत जाना चाहता हूं। किस लिए जान दी उसने? देश के लिए। देश मिल गया ना, काम खत्म। चोर नालो पट काली, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये जी भगत सिंह को उधर जन्नत में डालना चाहिए और सनातन में डाला जाता है। ओ अली भाई ने वो पोल खोल के रख दिया है, वो संस्कृत के अंदर ये आपके सामने लिखा हुआ है, वाल्मीकि में भगवत गीता के अंदर लिखा है। तो जिस गीता को मानने की बात कर रहे हो ना जी, वो फलाना चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस गीता को मानता है, वो गीता में भी यही लिखा है कि कोई जो नास्तिक होता है या जिसके अंदर श्रद्धा और आस्था नहीं है, वो कोई भी कार्य करे वो स्वीकार नहीं होता। ये भगवत गीता में लिखा है, उस आदमी के अंदर श्रद्धा नहीं है, बिलीव नहीं करता, नास्तिक है, श्री कृष्ण में नहीं मानता, तो उसको कद्दू फायदा नहीं होगा उसके अच्छे काम का, कद्दू। ये लिखा हुआ है, मैं दिखा दे तो भाई। आइए देखे ये भगवत गीता। और सूर्य जवाब तूने कद्दू देना। अच्छा फटाफट, नास्तिक से आ गया, सीकर थे, सीकर सीकर कहां के थे? जन्नत के सीकर थे। ड्रामेबाजियां करते हो, जवाब नहीं देते, टाइम जाया करते हो, बकवासी है। हाँ तो वो जवाब नहीं देने भाई, जो पूछ रहे हैं तुमसे कि जो भगत सिंह था वो नास्तिक था, तुमने बोला कि नहीं नास्तिक था, बिल्कुल जी नास्तिक था, ये भगवत गीता ये मानता था ना, ये लिखा है 17:28। अश्रद्धाया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, क्या लिखा है? अश्रद्धाया, ऐसी कोई तपस्या या ऐसा कोई, ये तपस्तप्तम कृतम चयत, कोई तपस्या हो, कोई ऐसा काम हो धार्मिक जिसके अंदर श्रद्धा ना हो, ये देखे क्या लिखा हुआ है। आसादित, आसादित वो असत्य है, वो ठीक नहीं है। ये दा के साथ चूंकि ये छोटी की मात्रा आई है संस्कृत के अंदर, तो ये मिक्स, ये ता की साउंड देता है। असदित युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह, उसको बोल रहा है कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है पार्थ, वो कह रहा है वो पार्थ, वो अर्जुन जो काम फेथ के साथ ना किया हो, श्रद्धा यानी जिसमें विश्वास ना हो, आस्था ना हो, ईश्वर पर यकीन ना हो, ऐसी कोई तपस्या और कोई काम किया हुआ दान पान, वो असत्य है। और आगे क्या कहता है? उसका कोई फायदा नहीं, नाच और नहीं है तत् प्रेत्य नो इह, ना अगले जन्म में उसका कोई फायदा होता है, नो इह ना यहां। लो ओ भाई, भगत सिंह ने कहा है कि मुझे जन्नत, बेसिक चीज ये है, ये मुसलमानों से आके सवाल पूछते हैं, सबसे पहले तो उनको ये पूछना है, भगत सिंह ने कहा है मुझे जन्नत चाहिए थी? भाई एक आदमी, जुल्फकार भाई मैं आपको बोलता हूं कि ये जी आप खाना क्यों खा रहे हैं? आप कहते हैं जी मुझे भूख लगी है, मैं कहूं नहीं जी आप ये खाना खा रहे हैं ना तो आपको जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लो ओ भाई मैं खाना खा रहा हूं, मुझे भूख लगी है, खाना खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी। भगत सिंह ने जो जान दी है वो देश के लिए दी थी, देश मिल गया, अब उसको जन्नत के, हमसे जन्नत के बारे में क्यों पूछते? उसका उससे पूछो ना भगत सिंह से कि उसको चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। इसे कहते हैं लालच, जो भगवत गीता के अंदर दी गई 2:36-37 में, हतुवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जत्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये है लालच कि तुम दुनिया के लिए लड़ो तो दुनिया का माल मिल जाएगा, मर गए तो जन्नत मिलेगी, ये भगवत गीता कहती है। तो अब फैसला कर लो, अर्जुन किस लिए लड़ा था? जिस लिए लड़ा था उसको वो चीज मिल गई, पैसे के लिए माल के लिए लड़ा था वो मिल गया, जन्नत के लिए लड़ता तो जन्नत मिल जाती। तो ये हमारे साथ आके साढ़े ना शव कहानियां कर देने, ए जी ये मुसलमानों से सवाल पूछ के कंफ्यूज करते हैं जी, फलाना करते हैं।
नास्तिक को मिलती है वो अली भाई ने दिखा दिया उसका क्या मकाम है। वेद कहती है वेद निंदक को नास्तिक को चीर दे फाड़ दे मार दे जला डाल भस्म कर डाल, ये अथर्वा वेद कहती है। ऋग्वेद कहती है जो असुरी और राक्षसी जो विधि है और मानसिकता है ये नास्तिक की होती है, महापापी है नास्तिक, ये वेद कहती है। ये हमारे साथ आके ड्रामेबाजी करते हैं, वेरी बिग दर्शन हिंदू अम्ब्रेला के, हिंदू फिलोसफी के नीचे चार्वक भी एथियस्ट भी आ जाता है और शास्त्र पढ़ लो इंसान बन जाओ, शास्त्र पढ़ो, अपनी टीटो पार्टियां ना करो, फ्री के अंदर जनाब ये स्वर्ग बांटने निकले हैं, तुम ईश्वर हो कि स्वर्ग बांटते हो जी, नास्तिक को भी मिलेगा, फलाने को भी मिलेगा, फलाने को भी मिलेगा। तो नर्क किस लिए बनाई है, तुम्हारे शास्त्रों में नर्क का कथन क्यों है फिर, अगर नास्तिक भी स्वर्ग में जा रहा है, असुर भी स्वर्ग में जा रहे हैं, ठीक है, बोध भी स्वर्ग में जा रहे हैं, सिख भी जा रहे हैं, सारे ही स्वर्ग में जा रहे हैं, तो नर्क देवताओं के लिए रखी थी, देवी देवताओं के लिए नर्क किसके लिए रखी है, झूठ पॉइंट है, सब सारे एक ही हैं और सबने स्वर्ग में जाना है, तो नर्क में किसने जाना है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई।